इनमें से कोई भी कंपोनेंट मिसिंग हुई तो आपके रिजल्ट नहीं आ सकते, आप चाहे मर्जी जितने साल लगे रह जाओ। क्यों मम्मी मम्मी, ऐसे नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, फॉर्मूले भी लगा दिए, गलत आंसर है। क्यों? यूनिट गलत लिखे थे, यूनिट को कन्वर्ट करना भूल गए या आते ही नहीं। तुमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोलैरिटी पढ़ी, तुमने ये कोशिश करा कि सॉल्यूशन के अंदर जो मोलैरिटी पढ़ी थी दोनों सेम है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है। वीडियो के साथ लिंक है जिसमें हमने लॉग और एंटी लॉग पांच पांच मिनट के अंदर, पांच मिनट के अंदर लॉग और पांच मिनट के अंदर एंटी लॉग सिखा रखे थे। क्या सारे बच्चे जो सारे टॉपर हैं वो बचपन से टॉपर होते हैं? किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन हो, अगर वो तीन चार महीनों से ज़्यादा खिंच जाती है तो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट का नाम है एकेडमिक्स, फिर साइकोलॉजी, फिर फिजिकल फिटनेस। इनमें से कोई भी कंपोनेंट मिसिंग हुई तो आपके रिजल्ट नहीं आ सकते, आप चाहे मर्जी जितने साल लगे रह जाओ। क्यों? इसका तो हमें पता है ना कि हेल्दी माइंड स्लिप्स इन ए हेल्दी बॉडी। एग्जाम के एक दिन पहले तुम बीमार हो गए, फिर क्या करोगे? तीन दिन पढ़ के तुम चार दिन बीमार रहते, फिर क्या करोगे? तो फिजिकल फिटनेस का ध्यान तुम्हें रखना है। आज की पूरी क्लास एकेडमिक्स के अराउंड होगी, फिजिकल फिटनेस के ऊपर। तुम्हें बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंपोनेंट है, हम इसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि क्या हम इसके बिना कर सकते, आंसर है नहीं कर सकते। क्या हम एक टफ साइकोलॉजी के बिना काम कर सकते, आंसर है बिल्कुल नहीं कर सकते। मम्मी मम्मी, ऐसे नहीं हो सकता है ना, मेरे मार्क्स नहीं आए मम्मी, ऐसे नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा करते तो तुम ग्राउंड से बाहर आ जाओ। ये ग्राउंड उनके लिए नहीं है जो टच मी नॉट की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। या हमें नर्व्स चाहिए स्टील्स के, है ना। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन समझा, पढ़ा, बढ़िया लगा, बस ये नहीं पता फॉर्मूला कौन से। कई बार क्या होता है, फॉर्मूले भी लगा दिए, गलत आंसर है। क्यों? यूनिट गलत लिखे थे, यूनिट को कन्वर्ट करना भूल गए या आते ही नहीं। कहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रखा है और आंसर दे रखे जूल के अंदर, तो कहां पे प्रॉब्लम आती? या तो फॉर्मूला ही नहीं पता होता, फॉर्मूला मालूम नहीं, यूनिट को कन्वर्ट करना नहीं मालूम, कैलकुलेशन के अंदर एरर है, कैलकुलेट करने गिर दिया तो कैलकुलेशन, इक्वेशन लिख दी, सब कुछ लिख दिया, कैलकुलेट करते हुए रोने लग गए। ये जो है ये प्रोसीजर की प्रॉब्लम है। मतलब ये बिल्कुल इतनी प्रिसाइज सी प्रॉब्लम तुम्हें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर नहीं होनी, वहां पे प्रॉब्लम के टाइप थोड़े दूसरे हैं। यहां पे ये बड़ी मेजर सी प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करा, इसके बाद क्या करा, इसके बाद फॉर्मूले तुमने खुद से लिखे और फॉर्मूले के अंदर प्रिकॉशंस भी होती। कई बार स्टार लगा देते ना, कंप्यूटर फ्री स्टार लगा दी माउस के साथ, है ना, कंप्यूटर फ्री है माउस के साथ, और माउस की कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए बस। तो वैसे जो कंडीशंस होते हैं ना, जब हम फॉर्मूले याद करते हैं तो उन कंडीशंस का भी हमें ध्यान रखना है। तो पहली पार्ट है कि आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। अब कॉन्सेप्ट्स का क्या है, तुमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कोई चीज पढ़ी, तुमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोलैरिटी पढ़ी, तुमने ये कोशिश करा कि सॉल्यूशन के अंदर जो मोलैरिटी पढ़ी थी दोनों सेम है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो हम इसे दो जगहों पर क्यों पढ़ रहे हैं? तुम्हें आइडिया लगा कि जब हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोलैरिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे वांट ऑफ फैक्टर नहीं था, है ना। जब हम वहां पे मोलैरिटी पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे वांट ऑफ फैक्टर के साथ उसे यूज नहीं करा, सॉल्यूशन के अंदर हम उसे वांट ऑफ फैक्टर के साथ यूज कर रहे हैं। तो फिर काइनेटिक्स में वहां पे कोई डिफरेंस है क्या? आंसर है काइनेटिक्स में डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पे हमने सीधा सीधा मोल यूज करा है, वहां पे हम इसके लॉग फॉर्म को ले रहे हैं, तो प्रैक्टिकली वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो ऐसे करके हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, अंधों की तरह पढ़ने का कुछ फायदा नहीं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपनी लर्निंग ग्राफ कुछ ऐसे होती है, ऐसे, यानी तुम इसे मान लो, अगर ये थ्रेशोल्ड मान लो कि ये 50 के आसपास की प्रॉब्लम है पर सब टॉपिक, तुमने एक सब टॉपिक पढ़ी और तुम्हें समझ आने के लिए तुम्हें कम से कम 50 प्रॉब्लम बनानी थी। तुमने क्या करा, तुमने चार दिन 10-10 प्रॉब्लम बनाए। इसका ये मतलब नहीं कि तुम यहां तक पहुंच गए, तुमने चार दिन 10 प्रॉब्लम बनाई तो अभी भी इधर ही हो, ओरिजिन के पास ही हो। तुम्हें एक दिन में 50 प्रॉब्लम बनाना है इन सीक्वेंस, तो बेनिफिट कहां पे? बेनिफिट है कि तुमने उसकी प्रैक्टिस कितनी करी है, कितने प्रॉब्लम तुमने सॉल्व करे। अब तुम कह सकते हो मोल कॉन्सेप्ट में कितनी करनी चाहिए, बस 200 करनी चाहिए पहली बार में। ये नहीं कहा कि पूरे जीवन में 200 करना। जब तुमने मोल कॉन्सेप्ट एक बार ही खत्म करी, 200 प्रॉब्लम सॉल्व करे, तीन चार महीने बाद तुमने फिर से इसके ऊपर 100-200 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तीन चार महीने और भी गए, फिर से तुमने करी। ये करना जरूरी है, तुम्हें ये देखना है कि जो आज पढ़ रहे इसका पीछे पढ़े चीजों के साथ कहीं कोई कोरिलेशन है क्या, इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, इन व्हाट वे दे आर हैविंग सर्टेन सिमिलैरिटी विद द प्रीवियस चैप्टर। ये तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे, इस चैप्टर का पर्पस क्या है। और एक बार ही जब तुम्हारी सिलेबस पूरी हो जाती है तो तुम्हें खुद से सवाल पूछ रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की फिजिकल केमिस्ट्री में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस निट के लेवल पे नहीं है जितनी कि ज्यादा लॉग की है। अब लोग लॉग के बारे में पढ़ते नहीं, लोगों ने लॉग का वो ट्रेडिशनल मेथड पकड़ रखा है। वीडियो के साथ लिंक है जिसमें हमने लॉग और एंटी लॉग पांच पांच मिनट के अंदर, पांच मिनट के अंदर लॉग और पांच मिनट के अंदर एंटी लॉग सिखा रखे। तो जो एक बहुत सबसे बड़ी तकलीफ है ना बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर लॉग, उसका सॉल्यूशन है 10 मिनट की ये वीडियो, दो वीडियो के लिंक है, और इसके बाद तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा जो है ना कैलकुलेट नहीं कर पाता,
वो इसलिए कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता तो वो आधी जगह तक पहुंच जाता और आधी के बाद ये सोचता कि हाँ ये तो हो जाएगा, चलो ये तो हो जाएगा, ये आ जाएगा 62। लेकिन एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता। एग्जाम में उसे पता है 62 के आसपास आंसर आने चाहिए, लेकिन उसे सॉल्व ही नहीं हो रही। अब वो प्रेशर में आ जाता। फिजिकल के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि सपोज तुमने 8 AM से 8 PM के बीच लेट इट बी 200 प्रॉब्लम सॉल्व करे। 9 बजे तुम एक बार फिर से इनको वापस सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसमें भी तुम्हें गलतियां मिल जानी है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होंगे जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए। अब क्या करोगे? खुद को ब्लेम करना? नहीं, खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये एक प्रोसेस का पार्ट है, तुम कोई एक्सेप्शन नहीं हो। सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अगर तुम इसे एक दिन बाद सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ जो रॉन्ग्स हैं वो और भी ज्यादा होने हैं। 2 दिन बाद करा तो वापस वही सारे स्ट्रगल ऑलमोस्ट तुम्हें करनी पड़ रही जो तुमने आज करा था। तो बचने का तरीका क्या है? तुमने 8 to 8 जो भी है, जो भी तुम्हारी टाइमिंग है वो तुमने करी, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोचिंग का टाइम भी इंक्लूडेड है। तुमने क्या करा, रात को अगर तुम 11 बजे सो रही, ठीक है ना, जब भी तुम सो रहे, तुमने उसके पहले 2 घंटे का टाइम रखा और ये सारे प्रॉब्लम एक बारी फिर से पूरी सॉल्व करे। अगर न्यूमेरिकल है तो आखिरी स्टेज तक सॉल्व करो, अगर थ्योरेटिकल है तो फिर कोई बात नहीं। उनका हिसाब ये रख लो कि 30% के आसपास तुमने सब्जेक्टिव पढ़ी और 70% फोकस तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। इसे उल्टा करा तो प्रॉब्लम है। ये किन के लिए? जो रिपीटर्स है। ध्यान रखना, ये जो रेशियो लिखी है किन के लिए है? जो रिपीटर्स है, जो फ्रेशर है, उनके लिए ये रेशियो नहीं है। ये हम लोगों ने पहले ही बात करी है। तुम्हें दिन का टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्व सेट करने हैं, कि तुमने दिन का टारगेट ही सेट कर रखा है कि तुम्हें आज 200 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तुम्हें आज 300 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, इन प्लेस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू रीड 4 आवर, 10 आवर, 20 आवर, इससे मतलब 20 आवर तो बहुत ही अजीब सी चीज है। आइडियली एक बच्चे को आइडियली अपने कोचिंग के बाद एक बच्चे को अगर उसने 5 से 6 घंटे पढ़े लिए, ऑब्वियसली बात है कि कोचिंग भी 6-7 घंटे की होती है तो कहना बहुत आसान है, लेकिन 6-7 घंटे के कोचिंग के बाद अगर उसने 4 से 5 घंटे भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करी, वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंसी है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है, तुमने 4 दिन पढ़ाई करी, 6 दिन आराम करा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आपको कैलकुलेटर अवॉइड करने, कैलकुलेटर ने सबकी बैंड बजा रखी है। अब एक सवाल ये आता है कि क्या सारे बच्चे जो सारे टॉपर है वो बचपन से टॉपर होते हैं? तो इसका एक आंसर है, होते कुछ तो होते जो दूसरी तीसरी क्लास से अपने स्कूल के टॉपर होते, फिर ओलंपियाड के टॉपर होते और फिर मेडिकल के भी टॉपर होते। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? 20-30। ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनका मोटर 8 या 9 क्लास के अंदर ऑन होते हैं और उस मोटर के साथ वो भागना स्टार्ट करते, 3 साल 4 साल की मोमेंटम होती है, वो क्रॉस कर जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हर कोई गिर कर उठता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जब उसने चलना सीखा और वो गिरा ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज तुम खुद हो और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे ऊपर अगर नहीं होगा तो दूसरे लोग बेवकूफ हैं जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। अगर तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं तो वो लोग बेवकूफ हैं जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं।